हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम देखेंगे एंजल्स गाइडेंस किसी भी काम के लिए, और उसमें यस नो भी देखेंगे कि आपका वो काम होगा या नहीं होगा और आपको क्या गाइडेंस एंजल्स दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम गण गणपतियाय नमः, ओम नमो नारायण, ओम साईनाथाय नमः। पहले हम टैरो से कार्ड निकाल लेंगे और हमेशा की तरह मैं तीन पायल रखूंगी, 1 2 3। जो भी आपको चूज़ करनी है या जो पायल आपको अट्रैक्ट करे आप चूज़ कर सकते हैं, उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ होगा आंसर। और यदि एक से ज़्यादा पायल्स भी आपको अट्रैक्ट कर रही हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ आपके लिए होगा, तभी वो पायल आपको अट्रैक्ट कर रही है। ब्लैक कलर का ब्रेसलेट फाइल नंबर 2। चलिए आपके लिए देखते हैं आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए या किस चीज को आपको इग्नोर करना है, क्या नहीं करना है, सारी चीजें देखिए। रेड कलर का ब्रेसलेट, चलिए देखते हैं पायल नंबर 3 आपके लिए। फाइल नंबर 3 व्हाइट कलर का ब्रेसलेट। चलिए अब एंजल्स गाइडेंस भी ले लेते हैं। हम एंजल्स के कार्ड निकाल लेते हैं। फाइल नंबर 1 के लिए प्लीज बताइए, गाइड कीजिए। फाइल नंबर 2 को, फाइल नंबर 2 को गाइड कीजिए। एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं हम फाइल नंबर 1। जिसने भी चूज किया है ये कार्ड, फाइल नंबर 1 ब्लैक कलर का ब्रेसलेट, किंग ऑफ कप्स, द एम्परर, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। शुरू करते हैं पायल नंबर 1 आपके लिए। जैसे कि आप कार्ड देख रहे हैं, किंग ऑफ कप्स, द एम्परर, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स के भरमा रहे पायल नंबर 1 आपके कार्ड में, और किंग, एम्परर, इनकी भी भरमा रहे। बहुत सुंदर कार्ड निकला है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कार्ड में, यदि आप कोई काम शुरू करने चाहते हैं पायल नंबर 1, तो आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। लेकिन कुछ हो सकता है आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही हो अभी प्रेजेंट में, या आप इन्वेस्टर देख रहे हो, क्योंकि कार्ड पेंटिकल्स के भी बहुत सारे, ये चीज़ भी हो सकती है। आप कंफ्यूज हैं, करें नहीं करें, कैसे करें, और स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का भी आप
सोच रहे हैं कैसे स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, कैसे आपके पास इतना भरपूर पैसा होगा जो चाहे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो पाइल नंबर वन, आप स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं। अब ये दोनों जेंडर के लिए होगा, ही शी दोनों के लिए। ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ एक ही जेंडर के लिए मैं बात कर रही हूँ, दोनों के लिए बोल रही हूँ। स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं आप, हार्ड वर्किंग है सबसे बड़ी चीज़। कुछ लोगों के ऐसे लगता है कि अपने फादर से बनती नहीं है। पाइल नंबर वन, अपने फादर से शायद उनको अपने फादर बहुत गुस्से वाले, अकड़ू, अकड़ में रहने वाले, घमंडी। कई लोगों को तो ऐसा लगता है जैसे उनके पापा उनको क्रूर लगते हैं, लेकिन गाइज ऐसा नहीं है। रीज़न ये कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करी है, जिस मुकाम पे आज हैं वो मेहनत के कारण ही है। उन्होंने अपनी लाइफ बहुत सीरियसली ली, अपने गोल को बहुत सीरियसली लिया और आज वो इस जगह पे हैं। तो आप ये मत सोचिए, आप उनके एंगल से सोचिए। और वो कोई आपका बुरा तो करेंगे नहीं, फादर हैं आपके, आपको आगे बढ़ाएंगे। अगर आपके संग स्ट्रिक्ट हैं तो शायद इसलिए हैं कि आप लापरवाही ना करें, आपको उतना स्ट्रगल ना करना पड़े जितना उन्होंने अपनी लाइफ में कर करके वहाँ तक गए हैं। वो बहुत नॉलेजेबल हैं, इस चीज़ को आप समझिए। और गाइज हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, पिता जो होता है सूर्य का कारक होता है। अगर पिता से आपकी नहीं बनती है तो आपका यश कीर्ति आप सोचिए मुश्किल है मिलना, मिलेगी भी तो थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि पिता जो होता है सूर्य का कारक होता है, सूर्य पिता का कारक होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपके फादर है, दो चीज आपको बातें बोल लेते तो सुन लीजिए ना, सुनने में क्या है। आप जितना शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, सुनेंगे तो एक दिन बोलेंगे, दो दिन, धीरे धीरे उनको खुद समझ में आने लगेगा कि मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, अपने आप शांत हो जाएंगे। और अगर वो आपको किसी चीज़ के लिए टोक रहे हैं तो उसमें आपकी ही भलाई है। सबसे बड़ी चीज़, आपको यदि कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि वो नॉलेजेबल भी बहुत हैं आपके फादर, यदि आपको कोई किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, किसी से राय लेनी है, तो आप किसी और से ना लेके अपने फादर से ही लीजिए राय, क्योंकि उनको जितना तजुर्बा है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आपको राह दिखाएंगे यदि आप कन्फ्यूज हैं तो। यदि आप लव लाइफ में देख रहे हैं तो न्यू बिगनिंग आएगी, न्यू पार्टनर आ रहा है गाइज आपकी लाइफ में। और कई लोगों की लाइफ में जो न्यू पार्टनर आ रहे हैं वो ऑलरेडी मैरिड हैं। कई लोगों की लाइफ में ऑलरेडी मैरिड पार्टनर आ रहे हैं। आपको पता है या नहीं पता है ये तो नहीं आप जाने, लेकिन कई लोगों की लाइफ में जो पार्टनर के लिए अगर देख रहे हैं तो उनकी लाइफ में मैरिड पर्सन आ रहा है। आप नॉलेजेबल है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, तो जो भी काम आप करें सोच समझ के करें, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में बिल्कुल आएगी। आप अपने फादर से अपना बना के रखिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने जैसे बोला आपके फादर से बहुत लोगों की, नहीं सबके लिए नहीं बोलूँगी गाइस, ये मैं कुछ लोगों के लिए बोलूँगी जिनके अपने पापा से, अपने फादर से नहीं बनती है। तो आपकी लाइफ में जो पर्सन, और कुछ लोगों की लाइफ में जो पर्सन आ रहे हैं, हो सकता है वो डिवोर्सी भी हो सकता है अभी डिवोर्स नहीं हुआ हो उनका, लेकिन आपकी लाइफ में वो आ रहे हैं न्यू पर्सन आपके पार्टनर के रूप में। वो काफ़ी रिच होंगे, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी होगी, किंग की तरह होंगे, इसे हम बहुत क्लियर कह सकते हैं। और कई लोगों की लाइफ में जो अभी आपकी फ्रेंडशिप होगी या पार्टनर के लिए आप सोच रहे हैं, तो थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से भी गाइस सोचिएगा। आपको सोचने के डिप्लोमेटिक तरीके से ज़रूरत है, क्योंकि सामने वाला जिस तरीके से कर रहा है, हो सकता है कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सामने वाले में, या कुछ ऐसी चीज़ हो जो आपको पसंद नहीं आए। तो अगर आप लाइफ पार्टनर सामने वाले को चूज़ कर रहे हैं तो थोड़ी सी डिप्लोमेटिक तरीके से उस चीज़ की इंक्वायरी कराइए। सबसे बड़ी चीज़, आपकी लाइफ में बाकी स्टेबिलिटी आ रही है, जो चाह रहे हैं आप वो होगा, बिल्कुल होगा। कब तक होगा, अभी होगा या थोड़ा रुकना पड़ेगा, वो
तो मैं आपको कार्ड देख के ही बता सकती हूँ। एंजल्स गाइडेंस लेते हैं, जो भी आप काम सोच रहे हैं, जो भी पाइल नंबर वन आपके लिए कार्ड निकला है एंजल्स का, जो भी आप सोच रहे हैं वो अभी आपको करना है या थोड़ा रुक के करना है, तो हम देखते हैं एंजल्स का क्या आंसर है। उनका आंसर है नो। नो मतलब ये परमानेंट नो नहीं है गाइस, ये टेम्परेरी है। नो थोड़ा सा रुकिए आप, अगर इस चीज में नो आ रहा है तो थोड़ा रुकिए आप, सोचिए समझिए और आगे बढ़िए। और नो का मीन ये कुछ लोगों के लिए परमानेंट है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। अगर ये परमानेंट नो भी है तो किस कारण से आपको ये चीज़ नो हुई है, जो भी आपने क्वेश्चन मन में सोचा होगा किस कारण से नो हुई है, वो भी आपको उसका भी रीज़न आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। और ये आपके भले के लिए ही नो आया है, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर वन आपके लिए रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर टू, देखते हैं आपके लिए क्या संदेश है और आपके लिए एंजल्स गाइडेंस भी देखेंगे हम, जिन्होंने भी रेड कलर का ब्रेसलेट चूज किया है। एट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। चलिए पाइल नंबर टू, सबसे बड़ी चीज़ तो पाइल नंबर टू आपके लिए ये बहुत क्लियर दिख रहा है। जो ये एट ऑफ सॉर्ड, जो आपका पास्ट था, आपको आपके अपनों ने ही तबाह किया है, या तो आपके दोस्त हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके करीबी जिनको आप मानते थे, और वो चार से पांच लोग हैं। आपको पता था, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं चल रहा था, आपको पता चल रहा था कि आपके पीठ पीछे ये सब प्रॉब्लम ये लोग क्रिएट कर रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आपने क्या गलती करी, उस चीज़ को इग्नोर करा, अपने आँखों पे ऐसे पट्टी बांध ली कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप कुछ देखना ही नहीं चाहते थे, आपने अपने को एक दायरे में बंद करके रख लिया, जिसके कारण ये हुआ कि आप परेशान रहे, टेंशन में रहे, डिप्रेशन में। जब आपको पता चल ही रहा था कि इन सब चीज़ों से आपको प्रॉब्लम होने वाली है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था। वैसे पाइल नंबर टू आप बहुत स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, आप जैसे पहले बहुत हंसमुख, एक बोलते ना चुलबुलापन, वो सब कुछ था, लेकिन आपको इतना सब कुछ जो आपके संग हुआ उसके बाद आप जो डिप्रेशन में आए, टेंशन में आए, आप सोचने पे मजबूर हो गए। तो पाइल नंबर टू आपको बहुत क्लियर बता दूं कि अभी ये जो पास्ट था उसको भूल जाइए। प्रेजेंट में भी अभी कुछ लोग बहुत सैड है, टेंशन में है, जबकि आप ये टेंशन खुद बुला रहे हैं। अभी भी आपको इतने लोगों से आपको प्रॉब्लम पास्ट में मिली है, फिर भी आप नहीं समझ रहे। अभी भी आपकी लाइफ में दो लोग ऐसे हैं जिनको आपको पता है, इधर इसका सुनूं या उसका सुनूं, और आपको अच्छी तरह पता है कौन गलत है कौन सही है। आपने ना एक आंख पे पट्टी बांध रखी है, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे उस चीज़ को। तो गाइज इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, ये जो आपकी लाइफ में दो लोग हैं, आंखों से पट्टी उतारी, आप जिस या तो उन पे दया करते हो या इमोशनली जुड़े हो, अटैच हो, ऐसे लोग हमारी लाइफ में हमको आगे नहीं जाने देते, वो खुद आगे चले जाते हैं। आपको जो दो लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं उनको साइड करिए, आगे बढ़िए, आपके लिए एक सुनहरा फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर है गाइज। आप खुद को इतना समेट के बैठे हुए हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब यूनिवर्स चाहते हैं कि आप ये वीडियो देखें, आप ये बातें सुने और आप इस परेशानी से निकलिए। फिर भी आप अगर इस परेशानी से जब मूव ऑन करेंगे, फिर भी आपके पीछे कुछ लोग आएंगे ताकि आपको आगे ना बढ़ने दिया जाए, लेकिन आपको पीछे मुड़ के अब देखना नहीं है गाइस। जैसे पहले थे मस्त रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए,
जो चाहते हैं आप कर सकते हैं आपकी लाइफ में, आगे फ्यूचर में पार्टी टाइम आ रहा। आपने स्ट्रगल बहुत किया है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि शॉर्ट्स के कार्ड ही बहुत कुछ बोलते हैं। आप अब इस चीज़ों से निकल के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल उसमें आप सक्षम हैं और कर सकते हैं। आप खुद की, जो कहते हैं ना, अपना सहारा आप खुद बनेंगे। आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने भी आपको इस गड्ढे में धक्का दिया, आप खुद ही निकलेंगे अकेले। आपको निकलने के लिए सहारे की ज़रूरत नहीं है। आप अब अपना पास्ट छोड़िए, फ्यूचर के बारे में और प्रेजेंट के बारे में सोचिए, फ्यूचर के बारे में सोचिए। जो हो गया वो बीत गया, वो एक सपना समझ के भूल जाइए। बिकॉज देखिए, जिन्होंने आपके संग ये सब चीज़ें की, उनकी लाइफ में क्या चेंज आया? कुछ नहीं आया है। उनकी लाइफ अच्छे से चल रही है, फिर आप अपनी लाइफ का क्यों सत्यानाश कर रहे हैं? तो आप ऐसा मत करिए। पहल नंबर टू, आप अपनी लाइफ जिए, यूनिवर्स आपके साथ है, इसीलिए आप ये रीडिंग भी देख रहे हैं, क्योंकि वो आपको कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपके साथ है, आप में इतनी हिम्मत है, ताकत है, उठिए, खड़े होइए। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने जा रही है, आपकी लाइफ पूरी चेंज होने जा रही है। लेकिन ये तभी गाइस पॉसिबल है जब आप खुद अपने पैर पे खड़े होंगे, तभी। चलिए हम देख लेते हैं एंजल्स गाइडेंस आपके लिए क्या है। लेट गो, देखिए ये कार्ड्स वही निकले हैं, छोड़ दीजिए, यूनिवर्स आपको सलाह दे रहा है। पास्ट छोड़िए, फ्यूचर देखिए और प्रेजेंट में रहिए, लेट गो करिए। ये पुरानी चीज़ें, जो भी दोस्त यार आपके जिन्होंने भी धोखा दिया, आपके फैमिली मेम्बर, उन सब चीज़ों से लेट गो करिए, उन लोगों से लेट गो करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपका फ्यूचर में बहुत कुछ है गाइज। और अगर आप इससे नहीं निकले तो वैसे ही जिएंगे, फिर आप क्यों जीना? जिन्होंने आपको इतनी तकलीफ दी वो तो बहुत खुशी खुशी से रह रहे, तो आप क्यों ना रहे, है ना? आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, पाइल नंबर टू। अब हम शुरू करेंगे पाइल नंबर थ्री। देखते हैं आपके लिए एंजल्स के क्या गाइडेंस है और टैरो आपसे क्या कहना चाहते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, द लवर, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आई होप आपको दिख रहा होगा। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए गाइस शुरू करते हैं पहले नंबर थ्री आपके लिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, द लवर, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। सबसे पहले तो जो आप जिस टाइप के हैं, मस्त मौला, कुछ लोग के लिए बोलूँगी, कुछ लोग इसमें गंभीर दिख रहे हैं, सीरियस नेचर वाले हैं, जिनको हंसने में भी शायद प्रॉब्लम होती है। इतना सीरियस लाइफ में क्यों रहना? जो भी आपने सबसे पहले तो जो भी आपने प्लानिंग करी थी अपनी लाइफ को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपने जॉब को लेके या अपनी पार्टनर को लेके, सबसे पहले उस पे अमल करिए। आपने प्लानिंग तो कर ली, प्लानिंग भी बहुत अच्छी थी, जो कुछ सोचा था आपने बहुत अच्छा सोचा था, फिर आपने उसको छोड़ दिया, ठीक है। अब अभी जो प्रेजेंट में है, सबसे पहले तो आप उस चीज़ को अमल करिए, आगे बढ़िए, नेचर से जुड़िए गाइस। नेचर से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसा लग रहा है, आप कुछ लोगों के लिए है जो बहुत टेंशन और परेशानी में डिस्टर्ब है, अपने काम को लेके, अपने पार्टनर को लेके, उनको नेचर से जुड़ने की बहुत ज़रूरत है गाइस। अब नेचर से जुड़ने का मीनिंग क्या है? गार्डन में जाइए, वॉक करिए, प्लांट लगाइए, प्लांट से बातें करिए, ग्रीनरी के बीच में बैठिए, नदी के आसपास घूमिए। देखिए गाइस, जब आप ये सब काम करेंगे तो जो भी कंफ्यूजन है, टेंशन है, जिस पे आप अपने प्रोजेक्ट, जो भी काम है आपने सब कुछ करके रखा, अपने प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा पा रहे,
ये देखिए आप दिमाग से इतने शांत हो जाएंगे, ये चीज़ें अपने आप मूव ऑन होने लगेंगी, क्योंकि इसमें अगर ब्लॉकेज आ रहा है तो सिर्फ आपके कारण ही आ रहा है। आप एक मेहनती इंसान हैं, आप गोल को अचीव कर सकते हैं, जो चाहते हैं पा सकते हैं। कुछ लोग पार्टनर के लिए देख रहे हैं, कुछ लोग के पार्टनर हो सकता है उनका ब्रेकअप हो गया हो या फिर ब्रेकअप वापस वो उनके पास आना चाहते हैं, तो बिल्कुल आएंगे वो आपके पास। बिल्कुल वो जो आप सोच रहे हैं सामने वाला भी वही चीज़ सोच रहा है। न्यू बिगनिंग है, इसमें दो राय नहीं है। हाँ, आगे जाके थोड़े मतलब ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट होगी, लेकिन फ्यूचर में जाके अगर आप सचेत नहीं हुए और आप ऐसे ही लापरवाह बने रहे तो आपके अपने या दोस्त यार हो या फ्रेंड्स हो या फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, उन्हीं से आपको धोखा मिलेगा। तो सचेत रहिएगा, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आप स्ट्रांग हैं, इसमें दो राय नहीं, आप में बहुत हिम्मत है। आपकी लाइफ में न्यू पार्टनर आ रहे हैं, कई लोगों की लाइफ में न्यू पार्टनर आ रहे हैं, कई लोग जो चाहते थे उनके पुराने चाहते थे कि उनके पास आए वही आ रहे हैं। नेचर में रहिए, अपने टेंशन को दूर रखिए इन चीज़ों से, अपने आप को दूर रखिए, पहल नंबर 3। और जो प्लानिंग आपने पहले की थी वो ही प्लानिंग उसी पे अमल करिए और आगे बढ़िए, जो आपने अल्लड़पन में छोड़ दिया था, बेवकूफ़ी में कह सकते हैं छोड़ दिया था, जो इतना आपने सब प्रोजेक्ट तैयार करे थे, सारी प्लानिंग कर ली थी कैसे क्या करना है, और आपने जो साइड कर दिया था, वो टाइम आ गया है, वो प्लानिंग पे अमल करिए। क्योंकि कुछ लोगों का देखिए प्लानिंग पे अमल कब करेंगे, अभी उसके टाइम आया है, या आपकी जो प्लानिंग है जो पहले आपने की थी बिजनेस या जॉब को या अपने पार्टनर को लेके, तो हो सकता है कि उसमें कुछ कमी हो। अगर अभी तक उस चीज़ पे अमल नहीं हुआ है तो हो सकता है कुछ उसमें कमी हो। तो आपको कमी कैसे दूर करनी है, आपको उसमें से खुद ढूंढना होगा क्या कमी आपने की। सबसे पहले तो गैज आप नेचर का सहारा लीजिए, नेचर में जाइए, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ आपके लिए। चलिए देखते हैं एंजल्स गाइडेंस क्या है। वेट करिए, ये टेम्परेरी वेट है, यानी कि आपने जो प्लानिंग की थी पास्ट में, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाए थे या जो भी करे थे, जो भी आगे नहीं बढ़ाए आपने, तो थोड़ा सा उस पर वेट करिए, यानी उस चीज़ का वेट करिए, थोड़े समय का वेट करिए, अपनी गलतियां उसमें से सुधारिए, निकालिए और फिर आगे बढ़िए। ये इंतज़ार आपको थोड़े टाइम के लिए करने को कहा गया है। और यदि कुछ लोगों ने आपको लगता है कि अरे आपने पूरा परफेक्ट किया है, तो भी आप वेट करिए थोड़ा, क्योंकि यहाँ वेट का कार्ड एंजल्स का है, इसका मतलब थोड़ा सा उस काम के लिए, जो भी काम का आप सोच रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए, हो सकता है आपने जो सोचा उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपका आ जाए, है ना। जल्दी जल्दी में हो सकता है कुछ गड़बड़ शड़बड़ हो जाए, इसलिए एंजल्स का कार्ड है कि वेट करिए थोड़ा सा, और ये बहुत लंबा वेट नहीं है क्योंकि ये टेम्परेरी वेट दिख रहा है, ठीक है। तो गाइज ये थी पायल नंबर 3 आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, बेल बटन ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोग को मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइज़।